हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था। रॉल्स लॉ पढ़ा था किसके लिए? जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या थे हमारे, वॉलेटाइल थे। आज हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कि मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो वॉलेटाइल होगा, जबकि जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मान लो हमारे पास ये हमारा बीकर है जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट फिल्ड है कम्प्लीटली। ठीक है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। ये कैसा है बच्चों अपना, मतलब जब देखो ये जब प्योर सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल है, ये वॉलेटाइल है तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। हम सबको पता है कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए, है ना। जैसे अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो उसका जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। चेंज कब होता है? जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं, कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, इधर वो वॉलेटाइल हो या नॉन वॉलेटाइल हो वो बाद में बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि प्योर स्टेट में क्या होता है कि जो भी कोई सब्सटेंस हमने लिया है उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, अगर वो वॉलेटाइल है तो। ठीक है, तो ये हमने वॉलेटाइल लिया है सॉल्वेंट, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, यानी कि कहीं ना कहीं अपने वेपर्स को फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया बच्चों सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट जो हमने ऐड किया यहाँ पे, तो आप लोग ये सोच के देखो कि ये सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ना। ये सॉल्यूट हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। अगर ये हमारा सॉल्यूट जो है बच्चों वो नॉन वॉलेटाइल है, तो आके आप लोग ये सोच सकते हो कि भाई देखो हम कहीं जा रहे हैं लेकिन कोई पर्सन वहाँ पे खड़ा है जो ना इधर जाना चाहता है ना इधर जाना चाहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट है ये भी क्या करेगा, इन वेपर्स के रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट बनेगा। यानी कि जब हम इसके अंदर सॉल्यूट ऐड करेंगे, इसके अंदर जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये नॉन वॉलेटाइल है भाई, हम तो ऊपर नहीं जाएंगे और तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, है ना। ना तो हम करेंगे ना तुम्हें करने देंगे। देखो अब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल को वेपर्स बनाने ही नहीं देगा, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। कि अगर हम एक वॉलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वेपर प्रेशर की बात करें तो हमने रॉल्स लॉ पढ़ा था कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करें बच्चों, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, जो उसके मोल फ्रैक्शन होंगे उसको हमने एक्स ए से ले लिया, मल्टीप्लाइड बाय जो उसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर होगा, जो कि हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर वो प्योर स्टेट में है तो। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन बना, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट मिला के जो सॉल्यूशन बना, भाई सॉल्यूट तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, सिर्फ वॉलेटाइल कौन है, हमारा सॉल्वेंट। तो जितना भी इसका ओवरऑल, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट के बाद जो वेपर प्रेशर होगा, मान लो पहले कुछ था उसके बाद कम हुआ, बेशक वो कम हुआ लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, आप लोगों को नहीं लगता कि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होना चाहिए, सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि भैया सॉल्यूट तो हमारा कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, ठीक है भाई, तो क्या मैं इसको और इसको इक्वल पुट कर सकती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय जो उसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, सॉल्वेंट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, मान लीजिए मैंने ये पी एस किसके लिए यूज़ के लिए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के लिए, एक्स ए सॉल्वेंट के लिए, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई ये इसकी प्योर स्टेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू एक्स ए। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आप लोग ये सोच सकते हो, ये कांस्टेंट है, मैंने हर बार बोला है, ये क्या है, कांस्टेंट है, प्योर स्टेट में कांस्टेंट रहता है, तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ डेराइव कर सकती हूँ दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट, है ना भाई? हम लोग कुछ भी चीज़ ए प्रोपोर्शनल टू बी लेते हैं, इस प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो भाई हमारे पास वो कांस्टेंट ये रहा, सिर्फ यही दोनों तो बचे, तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन। तो हमने यहाँ से एक डेराइव कर लिया कि दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, ठीक है? अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर हम इस इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो भाई सिंपल सा ग्राफ आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये एक्स ए के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ तक की बात तो समझ आ गई है ना? ये मान लो हमारे पास इस सॉल्यूशन के लिए n1 है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, n2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मोल फ्रैक्शन में, कि भाई मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगा, जितना भी हमारा टोटल होगा डिवाइड बाय, मतलब सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल, ठीक है? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। पी एस बाय पी नोट विल बी इक्वल टू n1 + n1 + n2, ठीक है? हो गया यहाँ तक। अगर मैं दोनों साइड 1 माइनस कर दूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन ईच साइड, क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू 1 - n1 n1 + n2। ये क्या आ जाएगा, जो प्योर स्टेट में है माइनस में पी एस डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू, इधर आएगा ये एलसीएम लेंगे तो इसका, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये n1 + n2 - n1 / n2, n1 से n1 कैंसिल, ठीक है? तो क्या बचेगा हमारे पास, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नोट इज इक्वल टू n2 / n1 + n2। भाई ये हमारे पास क्या आ गया, जैसे ये हमारे पास एक्स ए था n1 / टोटल, ये आ गया n2 / टोटल, ये तो किसके मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया, है कि नहीं है, है ना? तो ये क्या है हमारा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो हमारा वेपर प्रेशर कम हुआ था, तो ये उसको दर्शा रहा है। ये क्या है हमारा, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, दैट द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दोबारा बता रही हूँ देखो, दैट द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये प्योर सॉल्वेंट में, ये सॉल्यूशन में तो कहीं ना कहीं कम हुआ था, तो दैट द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? ये चीज़ हमने डेराइव कर ली है। आगे देखो भाई, रोल्स लॉ और हेनरीज लॉ, क्या आप लोगों को लगता है कुछ कुछ सेम सेम है? रोल्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारे ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट, ठीक है? अगर हम पी बी की बात करें तो इसका वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, है ना? यही तो बोलेंगे हम। हेनरीज लॉ भी तो कुछ कुछ ऐसा ही कहता है। हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो ईच कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय हेनरीज कॉन्स्टेंट। अगर हम पी बी की बात करें तो बी का जो वेपर प्रेशर होगा
सॉल्यूशन के अंदर किसके बराबर होगा, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। दोनों ही सेम है ना, कहीं ना कहीं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन में। रोल्स लो, ये हो गया रोल्स लो, ये हो गया हेनरीज लो। दोनों ही केस में वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। लेकिन सिर्फ डिफर क्या कर रहा है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये कांस्टेंट हमने इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ले लिया, और यहाँ पे हमने हेनरीज कांस्टेंट का यूज़ कर लिया। दोनों ही केस में लेकिन जो इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। डिफर सिर्फ क्या करेगा, इन दोनों का कांस्टेंट। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है आप लोगों को? देखो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो आइडियल सोल्यूशन की अगर बात करें, तो आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिसका हर एक कॉम्पोनेंट सोल्यूट सॉल्वेंट है ना, जो भी कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, है ना, हमने पहले भी पढ़ लिया था, हमने बताया था कि हम आगे जो करेंगे वो हम बाइनरी सॉल्यूशंस को लेके बात करेंगे, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशंस को स्टडी करना इजी होता है। तो मान लीजिए हमारे सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो उस सॉल्यूशन के जो ईच कंपोनेंट है वो क्या करेंगे, रोल्स लॉ को ओबे करेंगे हर एक टेम्परेचर और प्रेशर, सॉरी कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो हम क्या बोलेंगे कि वो सोल्यूशन हमारा कैसा है, आइडियल सोल्यूशन। यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, दैट द ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन, ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो भाई जो आइडियल सोल्यूशन है, एक तो ये हो गया कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा हर एक कंडीशन में। दूसरा, उसको और भी चीज़ें हैं जो उसको क्या करनी पड़ेंगी, फॉलो करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। वो क्या है कि उसका डेल वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने ए कंपोनेंट को 50 ml लिया है, बी कंपोनेंट को भी कितना लिया है, 50 ml लिया है दोनों को। टोटल हमारे पास कितना आना चाहिए, 100 ml ही आना चाहिए। भाई हम मान लो मिक्स कर रहे हैं, इधर उधर कहीं हो गया है, बिखर के लग गया है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं आता है, चाहे वो पॉइंट्स में डिफर करे लेकिन करता है। ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसको क्या करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग मिक्सिंग जो चेंज इन वॉल्यूम है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। डेल वी कितना होना चाहिए, जीरो, सबसे पहली बात। दूसरा क्या कहता है कि जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे हैं तो डेल एच यानी कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, जीरो। ना तो हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना ही हीट इवोल्व होनी चाहिए, ना तो एंडोथर्मिक होनी चाहिए, ना ही एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, यानी कि डेल एच उसके ओवरऑल क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है, इसी केस में क्या करेगा वो, जो कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा हमारा, वो आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट द आइडियल सोल्यूशन में भी डिफाइंड एज द सोल्यूशन इन विच देयर इज नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक्स प्लेस ऑन मिक्सिंग द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक बात आती है बच्चों, इसको हम और भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए जब ए हमारा एक कॉम्पोनेंट है, बी हमारा एक कॉम्पोनेंट है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो आएगा ए प्लस में बी। जब हमने इनको मिक्स नहीं किया था, ध्यान से सुनिएगा, जब हमने इनको मिक्स नहीं किया है तो ए और ए के पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्शन होगी, है ना, बी और बी के पार्टिकल्स में आपस में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगी, ए और बी के पार्टिकल्स में आपस में इंटरेक्शन होगी। तो ये क्या कहता है कि जैसी इंटरेक्शन ए ए के बीच में थी, बी बी के बीच में थी, सेम वही इंटरेक्शन ए और बी के बीच में होनी चाहिए, तभी वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एज अ आइडियल सॉल्यूशन। तभी उसके अंदर ना कोई वॉल्यूम चेंज आएगा, ना ही एंथैल्पी चेंज आएगा। यानी कि ए ए में जो इंटरेक्शन है, बी बी में जो इंटरेक्शन है, वही इंटरेक्शन किस में होनी चाहिए, ए और बी में होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट द सॉल्यूशन इन विच द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द कॉम्पोनेंट ए बी वो क्या होनी चाहिए, सेम इन मैग्नीट्यूड एज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन प्योर ए एंड प्योर बी बी। ठीक है, ये बात हो गई आइडियल सॉल्यूशन की।
अब के क्या कहता है कि प्रैक्टिकली कोई भी जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस हैं जो उसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिकल 100% कोई भी आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जो इसकी तरह बिहेव करते हैं, जैसे बेंजीन प्लस में टोलविन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन प्लस में टोलविन, ठीक है। दूसरा कि अगर हम बात करें, ठीक है, प्लस में यानी कि एन हेक्सेन प्लस में एन हेप्टेन, ये भी कहीं ना कहीं बिहेव करेगा किसकी तरह, आइडियल सॉल्यूशन की तरह, C7H16, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया हमारे पास क्लोरो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, प्लस में ये हमने बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा दिया तो ये ब्रोमोबेंजीन, ये कहीं ना कहीं किसकी तरह एक्ट करेंगे, एज अ आइडियल सोल्यूशन। बाकी प्रैक्टिकली कोई भी सोल्यूशन जो है वो 100% आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये तो हमने बात की आइडियल के बारे में। अगर हम बात करें नॉन आइडियल के बारे में, नॉन आइडियल सोल्यूशन, देखो बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, जो कि रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, है ना, सबसे पहली बात कि वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा किसी भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन के टर्म्स में, वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। दूसरी कि उसकी जो डेल वी मिक्सिंग है वो 0 के बराबर नहीं होगी, डेल एच मिक्सिंग है वो भी 0 के बराबर नहीं होगी, यानी कि ना तो उसकी वॉल्यूम एग्जैक्ट 0 होगी, जो चेंज इन वॉल्यूम है एग्जैक्ट 0 होगी, ना ही एंथैल्पी चेंज 0 होगा, कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, और जब हम उनको मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं हीट इवॉल्व भी होगी या और एब्जॉर्ब भी होगी, ये बात समझ में आई, है ना। या फिर अगर हम इस वाले टर्म्स में अगर बात करना चाहें, इस वाले टर्म्स में, तो हम क्या कहेंगे कि जो ए ए में इंटरेक्शन थी, बी बी में इंटरेक्शन थी, वो सेम इंटरेक्शन ए और बी के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। अब एक बात बताती हूँ आप लोगों को, हमने आप लोगों ने जब हमने रोल्स लॉ पढ़ा था तो हमने ग्राफ प्लॉट किया था, याद होगा आप लोगों को, कुछ कुछ ऐसा ग्राफ था वो, देखो, है ना, जब हमने यहाँ पे पी ए का एक्स ए 1 माना था, एक्स बी 0 माना था, यहाँ पे हमने एक्स बी को 1 माना था और एक्स ए को 0 माना था, तो हमने कैसा ऐसा करके ग्राफ प्लॉट किया था, है ना, ये ए के लिए था, ये बी के लिए था, और ये क्या था हमारे पास, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पी ए प्लस में पी बी, ये पी ए के लिए था और ये पी बी के लिए था, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ प्लॉट किया था। तो इसमें टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो दो तरीके के आ सकते हैं, पहला क्या आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन से कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि भाई जो भी हम उसको ऐड करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो बी कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, ए कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, तो जो हमारा ए का जो पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, है ना, जितना होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलेगा हमें, ठीक है। तो देखो, या फिर इसका उल्टा बोल लो कि अगर हम ए को ऐड कर रहे हैं बी के अंदर, तो जो बी का पार्शियल प्रेशर है वो जितना होना चाहिए उससे कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा मिलेगा, यानी कि ये जो लाइन हमें मिल रही है इससे कहीं ना कहीं ऊपर, ऐसे करके, है ना कहीं ऊपर मिलेगा। जैसे कि मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो मान लो कि भाई ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये बी के लिए हो गया, ये ए के लिए हो गया, है ना, तो कहीं ना कहीं हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा पार्शियल प्रेशर मिलेगा इनका, ना, तो ओवरऑल प्रेशर भी इससे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यही होगा ना हमारे पास, तो है ना। देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम बी को ए के अंदर ऐड कर रहे हैं तो जितना ए का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा है, अगर हम ए को बी के अंदर ऐड कर रहे हैं तो जितना बी का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए कहीं ना कहीं उससे हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि कहीं ना कहीं जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो पॉजिटिव डेविएशन, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप लोग एक बात बताओ मुझे कि अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर भाई ज़्यादा है ना, इजीली वेपर बना रहा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा वेपर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, कम होगा,
यानी कि दोनों इन्वर्सली है, जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो आप लोग ये सोच समझ सकते हो कि भाई अगर यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर ओवरऑल बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि जितना उसका प्योर कंपोनेंट में उसका बॉइलिंग पॉइंट था, उसका सॉल्यूशन में उससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। एक टाइम पे ऐसा आएगा बच्चों कि जब इसका वेपर प्रेशर पीक पे होगा, है ना, जब यहाँ पे मान लो ये वाले पॉइंट है भाई सब इधर ऊंचा, इसके बाद नीचे जाना शुरू हुआ, ये वाला पॉइंट है जहाँ पे क्या है हमारा वेपर प्रेशर पीक पॉइंट पे है। तो भाई इस टाइम पे अगर वेपर प्रेशर पीक पे है सबसे ज़्यादा है, तो आप लोगों को ये लगता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए यहाँ पे, है ना भाई। क्यों? क्योंकि हमारा अगर वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे कम होगा, दोनों इन्वर्सली बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। लेकिन देखो बच्चों, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा कि हमारी जो वेपर प्रेशर वेपर फॉर्म में जो कंपोजिशन है वो बराबर हो जाएगी किसके, जो हमारी लिक्विड फॉर्म में कंपोजिशन होगी। यानी कि इस टाइम पे वेपर और लिक्विड दोनों क्या होंगे, सेम कंपोजिशन में प्रेजेंट होंगे। वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट पीक पे है, इसके बाद कम होना शुरू हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे कम हो गया। तो ये जो कंडीशन आती है जहाँ पे कंपोजिशन क्या रहती है, सेम रहती है ना, जितने वेपर्स बनेंगे उतने ही वापस कंडेंस होके क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो उनकी ओवरऑल कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम। तो जो ऐसा लिक्विड मिक्सचर बनता है ना, तो लिक्विड मिक्सचर जो कि क्या हो जाता है बिना किसी कंपोजिशन चेंज के डिस्टिल होता है, उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसमें कोई भी कंपोजिशन का चेंज नहीं आता है, उसे हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। और आप लोग ये सोच सकते हो कि भाई वेपर प्रेशर ज़्यादा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है उस टाइम पे, तो हम यहाँ पे इस केस में जब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना, शोइंग अ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चों शोइंग अ नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, दूसरा, पहला तो हो गया था पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा हो गया नॉन आइडियल शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव मतलब सिंपल सी बात है, आप लोगों को सुनते ही समझ जाना चाहिए कि भाई अगर हम बी को ए के अंदर ऐड कर रहे हैं तो ए का जितना पार्शियल प्रेशर होना चाहिए कहीं ना कहीं उससे कम हो रहा है, या फिर अगर हम ए को बी के अंदर ऐड कर रहे हैं तो जितना बी का पार्शियल प्रेशर होना चाहिए कहीं ना कहीं उससे कम है। मान लो ये हमारे पास ग्राफ था, ये नॉर्मल, ठीक है, कहीं ना कहीं इनसे कम है ना, लाइन के नीचे आ रहा है ये रहा, ठीक है। वेपर प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी कि जितना उसका प्योर स्टेट में जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन के अंदर उससे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर कम हो गया है ना, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ठीक है। तो वही सेम बात कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वेपर प्रेशर सबसे कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो वो पॉइंट कब आएगा, जब वेपर फेज में कंपोजिशन और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होगी। जब कंपोजिशन सेम होती है तो उस टाइम पे हम लिक्विड को क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, यानी कि जो वेपर प्रेशर में वेपर फॉर्म में और जो लिक्विड फॉर्म में जो कंपोजिशन सेम है तो उस मिक्सचर को हम क्या कह रहे हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि मैक्सिमम है तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई। ये बात तो हमें समझ आ गई कि ये मिनिमम क्यों है, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आएगा वेपर प्रेशर हाईएस्ट पीक पे होगा, बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, है ना, तो उस टाइम पे जो कंपोजिशन दोनों सेम होगी तो उसको इसलिए हमने बोल दिया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, क्योंकि उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। नेगेटिव डेविएशन के केस में उल्टा हो जाएगा कि भाई प्योर स्टेट में ज़्यादा वेपर प्रेशर था, सॉल्यूशन के अंदर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। तो जब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर शो करेगा तो उस टाइम पे बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट पीक पे होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, है ना। नेक्स्ट में हम लास्ट इसके दो पार्ट में और इस चैप्टर को सम अप कर देंगे। थैंक यू सो मच।